स्थिति के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा एक दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आकलन करेगा, लोड का आकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगे। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा शोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया ताकि इनका बिल्स का एसआई स्थगन भी ना करना पड़े। और कोई लाभ अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हो तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो, इन 1 करोड़ लोगों को सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है, ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आकलन करता है। ये बिजली विभाग का मापदंड कि अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आकलन के, केवल मैं मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चौक रास्ते से जेब पर डालता है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते हैं। तो अगर 1 किलोवाट का तो बिल उसके मुताबिक आता, अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बिठाए उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना शुरू हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। इसके विपरीत एक मॉडल और भी है। हम 5 सवाल आज चंद दिनों के मेहमान कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो दपिस्तान से पूछेंगे, पर उससे पहले दूसरा मॉडल भी मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का क्या। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके विपरीत कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इंदिरा गृह ज्योति योजना लेकर आई थी, और जब हमारी 15 महीने सरकार थी तो हम 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 1 रुपया पर यूनिट का बिल देना पड़ता था। तो कुल जो इस प्रकार के 1 करोड़ 15 लाख बिजली उपभोक्ता थे, उसमें से 1 करोड़ 2 हजार उपभोक्ता 150 यूनिट तक ही बिजली खपत करते थे, तो वो सब इस योजना के दायरे में आ गए। और 87 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपया से कम आने लगा। ये कांग्रेस ने किया था। और आज तो हम देख रहे थे, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा उन डॉक्यूमेंट से इकट्ठा कर करके, एक एक गरीब का बिल 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपया है। अब कांग्रेस ने फिर वचन दिया और प्रदेश के जो किसान है उनको 44 पैसे प्रति यूनिट का 10 हॉर्स पावर की मोटर पर चुकाने होते थे, जो देश की सबसे सस्ती बिजली कांग्रेस ने दी थी। अब फिर हम कहते हैं कि 100 यूनिट का 0 बिल आएगा, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों का हमें अनुमान है कोई बिल नहीं आने वाला। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का कांग्रेस की सरकार बनने पर कोई बिल नहीं आएगा, और 200 यूनिट तक का बिल हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है अगर किसान की, उसका भी कोई बिजली बिल नहीं आएगा। अब रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान से हमारे 5 सीधे सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या 1 किलोवाट तक के
20 लाख उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता की भी, एक परिवार की भी आपने एक टूटी कोड़ी, एक पैसा माफ किया है? बताइए। दूसरा सवाल,